नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को बुजुर्ग होने का हवाला देते हुए आराम करने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं और दलितों को अपमानित करने का काम किया है। आपने बिहार के दलित समाज और पूरे बिहार में जो सभी वर्ग के लोग हैं उसकी चिंता आप लगातार करते हैं और रामविलास पासवान जी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी के प्रति जो उनका प्रेम है वो अपना उद्गार कर रहे थे। ये स्वाभाविक है, इतना इतना पीड़ा देने वाला विषय है कि आप किसी दलित समाज को इस तरह अपमानित कर सकते हैं क्या? पहले तो महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया वो ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश बाबू आपको अब आराम करना चाहिए, आप बुजुर्ग हो चुके, अब आप गार्जियन रहे हैं इसलिए आपको आराम। विधानसभा में पहले महिलाओं और फिर जीतन राम मांझी को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बयानों को लेकर बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि समाजवाद और सामाजिक न्याय की आड़ में छिपा सीएम नीतीश कुमार का सामंतवाद बाहर आ गया है। अब बहुत हो गया, ये नव सामंतवाद का जो चेहरा नीतीश कुमार जी ने समाजवाद और सामाजिक न्याय के नाम पे ओढ़ रखा है। तो मुझे मान्यवर कांशीराम जी याद आते हैं। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे जब मौका मिला आपको तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो तेजस्वी यादव बनेंगे। मंत्री कौन बनेगा, तो तेज प्रताप यादव बनेंगे। नेता विरोधी दल विधान परिषद में कौन बनेगा, तो राबड़ी देवी बनेंगी। राज्यसभा कौन जाएगा, तो मीसा भारती जाएंगी। आपके सामाजिक न्याय की परिभाषा आपके परिवार से प्रारंभ होती है और आपके परिवार पे ही अंत होती है। विधानसभा में सीएम नीतीश के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को अपमानित किए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अब उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसे लेकर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हम लोगों का साहस बढ़ाया है। बिहार विधानसभा में हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनको यह कह के बैठाया गया कि आप मूर्ख हैं, मतलब कि गरीब जो होता है दलित होता है मूर्ख होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो उस बुरे वक्त में हम लोग के साथ उन्होंने दिया और गरीबों के नेता, अनुसूचित जाति जनजाति वंचितों शोषितों के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के पक्ष में वो खड़े दिखे। जो उनका इस तरह का जो चरित्र है गरीबों के प्रति, जो उनकी संवेदना है खास करके दलितों के प्रति, ये दर्शाता है कि उन्हीं के निर्देशन में उन्हीं के नेतृत्व में गरीबों का भला होने वाला है, गरीबों का सहारा वही है और देश उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। तो पुनः आरजेडी ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अब बिहार में रोजगार पर राजनीति करके नौजवानों को नौकरियां दी जा रही है। साथ ही कहा कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% करने से देश में बिहार ने एक नजीर प्रस्तुत किया है। यहाँ पर रोजगार और नौकरी देने वाली जो सरकार है उसके द्वारा नौजवानों को नौकरियां दी जा रही है। नौजवानों को भड़काव के दिशा से निकाल करके उनके घर में खुशियों का माहौल लाया गया है और स्पष्ट रूप से बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जिस तरह से जातीय गणना करा करके और आरक्षण की व्यवस्था में 75% आरक्षण को बढ़ा करके प्रस्तुतिकरण किया है, ये बिहार से देश स्तर पर एक नजीर। गोवर्धन पूजा के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आस्था रखते हुए हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग बीजेपी का दामन थामेंगे, यह दावा बीजेपी एमएलसी सह प्रदेश प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने प्रेस वार्ता कर कही। साथ ही कहा कि यादवों के वंशज महागठबंधन के साथ हैं और जो कृष्ण के वंशज हैं वे गुजरात के पुत्र के साथ रहेंगे। विकास का दौर बढ़ा है, जो गांवों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, पगडंडियों पर रहने वाले नौजवानों में जो आंखों में आंख डाल के नरेंद्र मोदी जी के आंखों में अपने भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है, उसी क्रम में कल 14 तारीख को लगभग 20,000 से 22,000
बिहार के जादुओं का गोवर्धन पूजा के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए कल बापू सभागार में 11 बजे वो तमाम लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए आएंगे, यह आपको बताना चाहते हैं। दरभंगा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर में 3 फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर बिहार सरकार ने हरी झंडी दे दी। इसके बाद अब श्रेय लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी नेता उदय शंकर यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने दरभंगा के लोगों को मायूस किया है और इसके बाद आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं ने सत्याग्रह पदयात्रा निकाली। उदय शंकर यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दरभंगा के लोगों का दर्द समझा और 2500 बेड वाला एम्स के तर्ज पर अस्पताल और 3 फ्लाईओवर देने का काम किया। उन्होंने कहा कि छठ के बाद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। 300 बेड वाली एम्स के बराबर का अस्पताल इस दरभंगा के डीएमसीएच कैंपस में देने का काम किया है और उसके साथ ही जनताओं की जो समस्या थी उसके लिए 3 फ्लाईओवर पंडा सराय गुमती, चट्टी चौक और दिल्ली मोड़, ये तीनों फ्लाईओवर छठ के बाद उसका शिलान्यास होगा, वो हम दरभंगा वासियों को देने का काम किया है। भोजपुर में गोवर्धन पूजा के गाय डार देखने के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में 3 बच्चों को गोली लगी है जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शहर के अलग अलग इलाकों से गाय डार देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए और घटना शहर के पूर्वी नवादा के रस्सी बागान मोहल्ले की है। एगो आंधी रहे गमछी बहन कैसे हरियर कलर में और बाल नो बड़ा बड़ा रहे ऐसे कैला सन त लग गए। अच्छा कौ फैल कैला सन 3 को फायरिंग भइल तो जे रह साथे हम जब लागल त हम भाग गइ नी तो भागिल तो फिर सब कोई भागिल। बता दे आपको कि लगातार बिहार में अपराधियों का तांडव नजर आ रहा है और इस बार ताजा मामला भोजपुर से निकलकर सामने आया जहां बदमाशों ने फायरिंग का दहशत फैलाया और फायरिंग में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में भी जुट गई है। बता दें आपको कि भोजपुर का यह पूरा मामला है जहां अपराधियों ने एक बार फिर से दहशत फैलाने का काम किया है और फायरिंग की। जब गोवर्धन पूजा के गाय डार देखने के लिए सभी लोग वहां पे उपस्थित थे इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। लोगों में भी डर का माहौल बन गया है और सभी बच्चों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ बने हुए। शुभम, जिस तरीके से बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है और इस बार अपराधियों ने फायरिंग का दहशत फैलाने का काम किया और इसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी हाँ, देखिए आज गाय डार के दौरान बच्चे वहां पर भीड़ लगा करके गाय डार देख रहे थे जहां पर नकाबपोश बदमाश वहां पर पहले से मौजूद थे और वो दहशत फैलाने के लिए वहां पर हर्ष फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। इस घटना में जो गोली का छर्रा होता है वो निकल करके 3 मासूम बच्चों को लग जाता है। हालांकि इस घटना में तीनों बच्चे ठीक है, किसी की जान माल की खतरा नहीं हुई है। वहीं भोजपुर एसपी का कहना यह है कि जो अपराधी वहां जो बदमाश पहले से मौजूद थे उनकी पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए हर जगह छानबीन की जा रही है। जी शुभम, क्या किसी की पहचान हुई है, क्या पुलिस ने इस पूरे मामले पर कुछ बयान दिया है? जी, भोजपुर एसपी ने इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक शख्स जो है उसमें उसकी पहचान हो चुकी है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है।
जी शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे और भी ज्यादा अपडेट देते रहेंगे। तो बता दें आपको कि भोजपुर में अपराधियों ने दहशत फैलाने का काम किया और फायरिंग कर दहशत फैलाया है, और इस फायरिंग में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे संवाददाता शुभम ने बताया कि एक बदमाश की पहचान हो गई है और इसी के स्तर पर पुलिस छापेमारी कर रही। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। डिलीशियस फ्रेश एंड ट्रेडिशनल फूड्स, लोकल इंग्रेडिएंट्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ेंगे खबरों की ओर। भागलपुर के अंतीचक थाना क्षेत्र के रमजारी पहाड़िया टोली में प्रेम प्रसंग में 30 वर्षीय इतवारी पहाड़िया की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के ही एक महिला से इतवारी पहाड़िया का अवैध संबंध था, जिसे लेकर महिला के बेटे और उसके पति से इतवारी पहाड़िया का विवाद हुआ था। इसी को लेकर इतवारी पहाड़िया की धारदार हथियार से महिला के पति पूसा पहाड़िया और उसके बेटे सन्नी पहाड़िया ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया है। नालंदा में घरेलू विवाद में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया, और मामला जिले के चंडी थाना क्षेत्र का है, जहां विवाहित के ससुराल वालों पर विवाहिता का हत्या करने का आरोप लगा है। और जानकारी के अनुसार दीपावली के कुछ दिन पहले से ही ससुराल वालों का विवाहिता के साथ विवाद चल रहा था। इसके बाद दीपावली के दिन विवाहिता की मौत की खबर सामने आई। 4 दिन के बाद गए पर में घर है अपना, और फिर बड़ा बाबू एक बार हमको फोन किए कि आपको बहन मरा हुआ है, तो घाट ही लगा के सब लोग मिल के मार दिए हैं। कौन लोग मिल के मारे? वो ससुराल वाले लोग मिल के मार दिए हैं, अब फरहार हो गए सब परिवार लोग। फरहार फरहार कितना दिन पहले शादी हुई? 4-5 महीना पहले साढ़ में हुआ था शादी। जो मांगा था जो दिए थे, 2.5 लाख रुपया दिए थे, वो गाड़ी दिए थे। गोपालगंज पुलिस ने बुजुर्ग से 1 लाख छिनतई मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट के लगभग 21,000 रुपए भी बरामद किए हैं, और गिरफ्तार सभी अपराधी बिहार के कटिहार के रहने वाले बताए गए। नवंबर 2023 को कुछ अपराधियों ने ICICI बैंक से पैसा निकाल के जाने वाले एक वृद्ध व्यक्ति से लगभग 1 लाख रुपए छीन लिया था। इसी क्रम में हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए इस कांड में गिरफ्तारी, हम लोगों ने जो बाहर से आके गैंग यहाँ ऑपरेट कर रहा था उसे हम लोगों ने उसका उद्भेदन किया है, जो कि लोग कोढ़ा से आकर यहाँ सिवान में डेरा लेकर रह रहे थे। हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान में उन लोगों को अरेस्ट किया तथा उन लोग यहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहे थे, तो उन लोग जहाँ भाग कर जा रहे थे उसी बीच में हम लोगों ने इंटरसेप्ट कर। गोपालगंज के नगर थाना पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को देसी पिस्टल, 1 चाकू, 2 मोबाइल और 21,000 नगद के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में सदर SDPO प्रांजल ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार बसडीला गाँव में फायरिंग का आरोपी है। पुलिस को, नगर थाना को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने गोली फायरिंग की, तो पुलिस ने तुरंत ही टीम गठित करके थाना स्तर से हम लोगों ने रेड कराया, जिसमें कि उस व्यक्ति को हम लोगों ने अरेस्ट किया और साथ ही साथ हम लोगों ने एक देसी पिस्टल भी बरामद किया और उसके पास से लगभग 21,000 रुपए भी बरामद। सहरसा सदर थाना की पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर के पास से पुलिस ने चोरी की हुई 7 मोबाइल भी बरामद किया है, और इस बात की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ब्रजेश चौहान ने बताया कि बीते दिनों कई जगहों से मोबाइल चोरी को लेकर शिकायत आई थी, जिसकी सूचना पीड़ित ने थाने में देकर कार्रवाई करने की मांग की थी। उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मुजफ्फरपुर के सदर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर दिनदहाड़े हथियार के बल पर एक कैश एजेंट से 4,21,000 की लूट की गई। वहीं विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल के बट से मारकर
कैश एजेंट नारायण का सिर भी फोड़ दिया और मौके पर पहुंचे एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। आज लगभग 11:30 बजे के आसपास भगवानपुर स्थित इंडसइंड बैंक के फाइनेंस ब्रांच से एक रेडिएंट कंपनी का एम्प्लॉय था नारायण कुमार, जो लगभग 4,21,000 रुपये लेकर के और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराने जा रहे थे। तो उसी क्रम में नीचे उतरने के बाद में 50 से 60 मीटर की दूरी पे दो व्यक्तियों ने उसके साथ में मारपीट करके पैसा छीन लिया। अमाउंट सर टोटल कितना है? 4,21,000 टोटल अमाउंट। घायल भी हो गए क्या हो जो? हाँ, वो भी मारपीट में इंजर्ड है और उनको अभी SKMCH में एडमिट कराया गया। पैसा। गया जिले में मां बेटी के संदिग्ध हालत में शव बरामद होने के बाद पति पर हत्या का आरोप लगा है। घटना इमामगंज थाना इलाके के डुमरिया पटना स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप के पास की है। बताया जा रहा है कि कपिल यादव अपनी पत्नी 30 वर्षीय रूबी देवी और 6 साल की बेटी ज्योति के साथ किराए के मकान में रहता था। मां बेटी की शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस तो देखा कि पंखे से कपड़े का फंदा लटका हुआ था, जबकि रूबी देवी का शव जमीन पर और बेटी ज्योति का शव चौकी पर पड़ा हुआ था। रूबी देवी के मायके वालों ने दामाद कपिल यादव पर ही हत्या का आरोप लगाया है और इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। वहीं मृतका रूबी देवी के पिता का आरोप है कि दामाद की ओर से कार की डिमांड की जा रही थी, इसके कारण ही उसकी बेटी और नातिन की हत्या कर आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। जानकारी मिला ये बता रहा है कि बोले फांसी पर लटक गया है, तो लटक गया तो दोनों एक ही बार लटक गया हैं और अपने से लटक गया दोनों एक ही बार। ये सब कुछ नहीं, ड्रामा किया है ये, मार के और ये सजा के दिखा रहा है कि अब हम ऐसे बचेंगे। मतलब ये अपने से फांसी लगा लिया है। मतलब पति द्वारा हत्या किया गया? हाँ, था कि ये गाड़ी मांग रहा था, फोर व्हीलर मांगता था, बराबर इसको मारपीट करता था। जहानाबाद के अमरपुरा गांव से पति को धोखा देकर लाखों का सामान लेकर एक रेहड़ी वाले की पत्नी फरार हो गई। वहीं पत्नी को खोजने के लिए पति मुकेश कुमार दर दर भटक रहा है और भुक्तभोगी मुकेश कुमार ने बताया कि पाली थाना क्षेत्र में वह चाट चौमिन की दुकान लगाते हैं और 2 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी। जब वह घर वापस आए तो ग्रामीणों ने ही बताया कि उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गई। दीदी घर से फरार हो गई है सर। अच्छा। भाग गई है। मैं चाट चौमिन का काम करता हूँ सर, पाली में। अच्छा। मेरा थाना पाली पड़ता है, वहीं पे मैं चाट चौमिन का काम करता हूँ सर। अच्छा। जब मैं बेच के आया तो देखा गांव वाले बोले तेरी बीवी तो है नहीं, भाग गई है। मैं जब ताला रूम वाला खोलता हूँ तो ताला तो टूटा हुआ है। अच्छा। और सामान वहाँ सारा पूरा बिखरा हुआ था, गहना पैसा मोबाइल कुछ भी नहीं है, सारा चीज लेके चल गई है। सुपौल में दीपावली के में एक बूढ़े माँ बाप के लिए सौगात लेकर आया है। जहां 25 साल पहले अपने माँ बाप से बिछड़े बेटे को बुढ़ापे का सहारा मिला। दरअसल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया गोठ निवासी मोहम्मद शमसूल का बेटा मोहम्मद शहाबुद्दीन को 10 वर्ष की उम्र में ही कुछ लोगों ने रोजगार के नाम पर ले जाकर पंजाब में बेच दिया था। अचानक ही शहाबुद्दीन त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पतघट्टी वार्ड नंबर 6 स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गया और रिश्तेदार ने ही उसे बूढ़े माँ बाप से मिलवाया। वहाँ से कौन ले गया आपको? सुनार। कितना दिन पहले ले गया था? 25 साल हो गया। क्या कह के ले गया था? चलो कमाने के लिए। फिर वहाँ कहाँ ले गया ये? पंजाब। फिर वहाँ क्या किया आपके साथ? बेच दिया। बेच दिया? किसके हाथों बेचा? पंजाबी के हाथ। फिर वहाँ क्या काम करते थे आप? वहाँ से कुट्टी पानी। तो वहाँ से आने नहीं देता था कोई? तो फिर जो आए हैं कैसे आए हैं? भाग के आए हैं। नाम नहीं जाने चौका जमे आ रहे गांव के, तो वे राठा लागत थे हम लिए पंजाब में, वो लागत भाग गए। उन्हें बार अब बेच लेके कि भाग गए कि बोले करके कि भाग गया हमारा संग से चल गया। आई तो कैसे बेच ले। अच्छा, कितना साल पहले ठठेड़ी लेके गया था? हमारे बचवा के रहे 10-11 साल। उम्र हाँ, उतने टाइम ओकरा लाकर बाहर चल गए भौरी घूरे के लिए। कहाँ का था ठठेड़ी? राठा के।
पटना सिटी में चार दिनों तक तो चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पटना सिटी में राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर छठ पर्व को लेकर साफ सफाई का अभियान चलाया। वहीं इस अभियान में राजद नेता बलराम चौधरी और मोहम्मद जावेद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे और मौके पर राजद नेता बलराम चौधरी ने बताया कि छठ पूजा के साफ सफाई अभियान में दूसरे समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का आगमन हो चुका है और आज से जो है हम लोग सफाई का पटना में तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरे बिहार में सफाई अभियान राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता इस पर्व में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और सभी धर्म के लोग इस पर्व में आस्था रखते हैं। लोगों को दिक्कत ना हो, हमारी माँ बहनें जो है वो सफाई के रास्ते में जाए और हम लोग छठ पर्व में इतना ही खुशी होता है कि लगता है कि हाँ हम लोग का महान पर्व है ये और हम चाहते हैं कि और भी हम हमारे जो यहाँ के निवासी हैं, देश के निवासी हैं, वो भी अपने गली हैं, सड़कें हैं, वो भी साफ सफाई में हमारा सहयोग। पटना सिटी में महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और जिसे लेकर पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव ने घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पटना सिटी के भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक का जायजा लिया और वहीं कई घाट अभी भी खतरनाक है, जहां पर स्थानीय विधायक ने बताया कि जो भी घाट खतरनाक है उसे प्रशासन की तरफ से जल्द ठीक कराया जाएगा। और आप जानते हैं कि पूरा पटना शहर गंगा के किनारे छठ मैया की पूजा करने के लिए प्रेरित होता है और स्वाभाविक रूप से अगर घाटों की व्यवस्था बेहतर नहीं हुई तो पर्यटकों को काफ़ी कठिनाई होती है। हम प्रत्येक साल इस प्रकार की व्यवस्था देखने आते हैं और अगर घाटों के निर्माण में या कोई कमी रहती है साफ सफाई में तो संबंधित प्रशासन को सचेत करते हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी बात है कि इस बार गंगा जी के घाट सब बेहतर हैं, पर्यटकों को कठिनाई कम होने वाली है। महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई है और इसे लेकर पटना प्रशासन की ओर से छठ घाट का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पटना के घाटों के रखरखाव और साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान पटना पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए टीवी 45 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।